सुदामा कौन है? हरि नाम का धन जिनके पास है, राम नाम की पूंजी जिनके पास है, वे ही हैं सुदामा। यही सुंदर धाम है। कबीरदास जी भी इसी का समर्थन करते हैं। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं को, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। असली धनवान वही है। तो सुदामा जी राम नाम के तो धनी है, पर दुनियादारी की दृष्टि में महा गरीब है, क्योंकि संसार की संपत्ति इनके पास नहीं है। और संसार के लोग तो संसार की संपत्ति को ही महत्व देते हैं। पैसा आपके पास है तो दूर के रिश्तेदार भी बड़े खास हो जाते हैं, और जेब आपकी खाली है तो खास रिश्तेदार भी बहुत दूर के हो जाते हैं। पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, और पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है। पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, और पैसा बिन सास कहे कहां को जमाई है। पैसा बिन यार वास, पैसा बिन भगनी पास, और पैसा बिन देव नहीं करते सहाय है। कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तपः, यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टकटकायते। आपके पास टका नहीं है टकटकाते रहो, कोई देखने वाला नहीं है, बात करने वाला भी नहीं है। ये संसार की वास्तविकता है। इसलिए राम नाम की पूंजी वाले संत सुदामा जी को संसार के लोग तो अकिंचन गरीब समझ करके उपेक्षित करते हैं, पर सुदामा जी जैसे, श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस संत सुदामा जी के महत्व को समझते हैं, इसलिए बड़े ही उच्च शब्दों में विशेषणों के साथ सुदामा जी का परिचय सुखदेव जी ने दिया है। इनकी धर्मपत्नी देवी सुशीला परम पतिव्रता है, पर सुखदेव जी कहते हैं बिचारी बहुत दरिद्र है। दरिद्रासीद मानसा वेपमाना भिगम्यच। अब देखिए सुदामा जी को कितने जोरदार विशेषण दिए, और उनकी धर्मपत्नी से कहा कि ये तो दरिद्र थी। भाई पति के पद प्रतिष्ठा का प्रभाव पत्नी को स्वतः प्राप्त हो जाता है। पतिदेव पंडित जी हैं तो देवी जी पंडितानी अपने आप हो जाती है। वो डॉक्टर बन जाए तो देवी जी डॉक्टर नहीं कहलाने लगती। परंतु सुदामा जी को इतना विशेषणों से विभूषित करके सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में दरिद्र की परिभाषा क्या है? दरिद्रो यस्त्व संतुष्टः। सुखदेव जी कहते हैं दरिद्र वही है जो अपने जीवन में असंतुष्ट रहता है। आपके पास कितनी भी धन संपत्ति क्यों ना हो, पर जीवन में आप सदा असंतुष्ट रहते हैं तो आपसे बड़ा दरिद्री कोई नहीं। और आपके पास भले ही केवल दाल रोटी से काम चल रहा हो, पर आपने अपने जीवन में आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि भगवान ने बहुत दिया है, बस इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, तो आपसे बड़ा धनवान कोई दुनिया में नहीं। जब आप अपने नीचे दृष्टि डाल के देखोगे तब आपको अपनी ऊंचाई का पता चलेगा, आप कितने ऊंचे पायदान पर खड़े हैं। संसार में लाखों लोग हैं जो अंधे हैं, दुनिया देख नहीं सकते, आपके पास तो दो आंखें हैं। लाखों लोग हैं जो चल नहीं सकते, आप तो दौड़ लगा रहे हो। लाखों लोग हैं जो गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, आप तो बढ़िया भाषण दे रहे हो। लाखों लोग बहरे हैं जो सुन नहीं सकते, आप तो प्रेम से कथा सुन रहे हो। जरा इन सब की संख्या जोड़ करके देखो, करोड़ों में पहुंच जाएंगे। तो आपके पास कुछ नहीं है, केवल स्वस्थ शरीर है तो आप करोड़ों से ऊपर बैठे हैं, केवल शरीर मात्र है। लाखों लोग हैं जिन्हें एक साइकिल नहीं खरीद सकते, आप तो मोटरसाइकिल पे घूम रहे हो, आप तो कार में घूम रहे हो। कितने लोग बेकार हैं, आप कार में घूम रहे हो। तो अपनी जरा ऊंचाई पर दृष्टि डाल के देखो, इसी देश में आपको अपने से करोड़ों की संख्या में लोग नीचे खड़े नजर आएंगे।
तो आपको भगवान ने इतना सब दे के करोड़ों से ऊपर बैठा रखा है, क्या उसके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं होना चाहिए कि प्रभु तुमने बड़ी भारी कृपा करी जो हमें इतने करोड़ों के ऊपर बैठा दिया। इसलिए जीवन में यदि आपको संतुष्टि आ गई तो जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, संतुष्टि है तो आप सब प्रकार से आपसे बड़ा धनवान। भगवान शंकराचार्य जी का एक ग्रंथ है प्रश्नोत्तरी, प्रश्न भी दिया किया है उत्तर भी दिया है, इसीलिए उसका नाम प्रश्नोत्तरी। उसमें प्रश्न किया कोबा दरिद्रो, दुनिया में दरिद्र कौन है, तो उत्तर देते हैं हे विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा बहुत विशाल है वही दरिद्री है, और धनवान कौन है, श्रीमाश्चको यस्तु समस्त तोषः, धनवान कौन है जिसको अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्टि हो गई, भगवान ने बस बहुत दिया है इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, तो वो सबसे बड़ा धनवान।